अवतार देखने का रीजन क्या, बॉलीवुड मूवी पसंद नहीं आती क्या? साथ में भी क्या नाम है आपका? पुणे के बस स्टॉप पर अभी हम लोग खड़े हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं हमारे रिलेटिव्स के यहाँ। यहाँ से कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस, उसके बाद में पुणे पहुँचने के बाद में जो सारे चीज़ें होगी वो खास तौर पर हम किस लिए आए हैं वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा। ट्रेन का सफ़र पूरा रात भर का रहा, नींद अभी भी आँखों में आप देख रहे हैं, संदीप भाव की आँखों में भी अभी भी नींद है। मैं तो थोड़ा बहुत सो पाया हूँ और संदीप भाव तो बिल्कुल नहीं सो पाया है और प्रसिक भी हमारे साथ में है, तो प्रसिक को भी मैंने थोड़ा सा सोने के लिए जगह दे दी थी। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अभी हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, बस जैसे ही आ जाती है उसके बाद में घर पहुँचेंगे, पहले नींद लेंगे उसके बाद में आगे का सोचेंगे क्या करना है। हम आए हैं अभी पुणे में और पुणे में ये टॉकीज का नाम है विशाल टॉकीज। हाँ, विशाल टॉकीज के अंदर अवतार मूवी देखने आए हैं। हाँ, और अभी जा रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। ये इधर अभी आप देख रहे हो, ये भी थिएटर है, यहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। अवतार देखने का रीजन क्या, बॉलीवुड मूवी पसंद नहीं आती क्या? बॉलीवुड में उतना वो थोड़ा सा पानी कम ही रहता है। हाँ, और जो क्रिएटिविटी और जो साइंस वाली जो चीजें, फ्रिक्शन वाली, ग्राफिक्स वाली चीजें, बॉलीवुड लॉजिक पे है और बॉलीवुड तो आपको पता है। हाँ, ठीक है, हमारे साथ में भी क्या नाम है आपका? तुम एक महान योद्धा के बेटे, हमने सारी शिक्षा। इंटरवल अभी हो चुका है और इंटरवल में हम लोग बाहर निकले हैं। अभी तक का जो मूवी है बहुत ज्यादा पसंद आई, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। अभी लास्ट में ही आपको बताएंगे कि मूवी कैसी है। तो फाइनली आप बैनर देख रहे हैं, मूवी हम लोग देख रहे थे अवतार 2 जो कि 3D में थी और 3D का चश्मा वगैरह लगा के हमने मूवी देखा है और बाकी सभी लोग यहाँ पर है और डिस्कशन चल रहा है मूवी का, कैसी है, कैसा लगा मूवी? मूवी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर का नाम भूल गए सभी। ये सभी लोग कैरेक्टर का नाम भूल गए लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो तो याद है। पहले नंबर की जो मूवी अवतार 1 वो देखा था? हाँ, देखा। अभी 2 तो पैसा वसूल लगी कि नहीं लगी? हाँ, आपको पैसा वसूल। और हमारे छोटे भाई कैसा लगी मूवी? लगी मूवी तो पहली बार देखे, दूसरी बार? दूसरी बार है। 3D में? हाँ, 3D में दूसरी बार। दूसरी बार है। और संदीप भाई क्या बताएंगे स्पेशल इस मूवी को लेकर? बहुत अच्छी है और एज कम्पेयर टू बॉलीवुड, हॉलीवुड का कोई जवाब नहीं। हाँ, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का लेवल जो है। हाँ, वो हाई है। हाँ, यहाँ पर। हाँ, और बॉलीवुड? और बॉलीवुड की तो बात छोड़ दो, अभी तो फ्लॉप पे फ्लॉप चल रही है पूरी। हाँ, और एक बात ये है। हाँ, कि हमेशा हॉलीवुड के अंदर जो लेडीज कैरेक्टर जो रहता है। हाँ, फीमेल वाला कैरेक्टर, स्पेशली फीमेल वाला। हाँ, हमेशा से ही उसको अच्छा दिखाया जाता है और हाई लेवल पे दिखाया जा रहा, ज्यादा बोल सकते हैं, ज्यादा पावरफुल दिखाया जाता है कंपेयर टू मेल कैरेक्टर। आप ये कभी भी गौर करना इस चीज को। हाँ, अभी ने अपना रिव्यू दे चुका है, फाइनली मैं भी अपना रिव्यू देना चाहता हूँ अवतार 2 इस मूवी को लेकर। बहुत ही जबरदस्त जोरदार मूवी है, तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए की मूवी बनी हुई है और पैसा वसूल मूवी है और सही में आपको देखेंगे पता चलेगा कि इसमें पैसा जो खर्च किया गया है और उसमें जो ग्राफिक्स उसकी बहुत जबरदस्त है। और बात करेंगे इमोशन की, बहुत ही इमोशनल भी है, कहीं कहीं पर काफ़ी सारी साइंटिफिक चीज़ें भी सीखने को मिलती है। अगर बॉलीवुड की कंपैरिजन करेंगे तो कोई भी कंपैरिजन यहाँ पर हमको नहीं दिखता है और बहुत ही अच्छा लगा है मूवी को देखकर। 3D मूवी मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि 3D मूवी मैंने पहली बार देखी है। आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, ज़रूर देखिए और आपको भी बहुत सारी चीज़ें इस मूवी से सीखने को मिलेगा।